शुदा, तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए। यार मैं जानता हूँ कि औरतें अपने फिगर को लेके बहुत कॉन्शियस होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मोटी हो गई हो, तुम्हारा वजन बढ़ गया। कहाँ? आंखें अपनी चेक कराओ आप। बस आपको तो मेरी बुराई करने का ना बहाना चाहिए होता है। I'm perfectly fine. सही तो है वजन, सब कुछ ठीक है। वो actually ये ब्लाउज थोड़ा सा टाइट है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि ब्लाउज टाइट है, लेकिन इंसान का हेल्दी होना ठीक होता है। थोड़ा बहुत वजन बढ़ जाए तो कंट्रोल भी होता है। बढ़ जाए फिर कम करने में मुश्किल। मैं नहीं आ सकता, जैसे मुझे पसंद है, लेकिन जो कह रहा हूँ सोचो। मेरी मीटिंग है, जाता हूँ। अरे क्या पेट पुरान हो गया है? तो रमन ने भी बोल दिया, इनका ध्यान इसीलिए आवा। पापा देखिए ना, मैं प्रॉब्लम कितनी बार सॉल्व कर चुका हूँ, पर मेरा आंसर राइट क्यों नहीं आता है? एक मिनट शर्बत। पापा प्लीज देखिए ना। ये देखो शबू, इसमें तुमने ये वाली वैल्यू तो ऐड ही नहीं की है। जब तक इस वैल्यू को ऐड नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा आंसर आ ही नहीं सकता ठीक। शायद कितनी भी बार ट्राई कर लो। मैं बता दूं तुम्हें कैसे करना है। शबू यार, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम पेंसिल से खेल रहे हो। दिस इज नॉट करेक्ट। चलो ये देखो, इस वैल्यू को इसमें ऐड करोगे तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा, करेक्ट? देखो बेटा, जब भी हम लोग मैथ्स करते हैं ना, हमेशा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम की तरफ होना चाहिए। मुझे देखो, मैं कितना कंसंट्रेशन से काम करता हूँ। हाँ? वाओ, एक और रिक्वेस्ट। इसमें से 5 लड़कियों की रिक्वेस्ट आ चुका। मुझे लगता है इस ऐप पे मैं फेमस हो रहा हूँ धीरे-धीरे। अब क्या बोले? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तुम अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करो और ये प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करो। हाँ? और सॉल्व करके मुझे दिखाना। एंड नो चीटिंग। एक बार फिर से चेक कर लो बेटा। हाँ ठीक किया ना आपकी बार। अब्बा राइट है। एक मिनट श्रवण प्लीज। अब्बा एक मिनट हो गया, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज देखिए ना। श्रवण अब्बा देखिए। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, जल्दी से अपना सामान पैक करो, दादा तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। हाँ अब्बा, मुझे लगा था आज आप मुझे स्कूल छोड़ोगे। शबू यू कैन सी ना, आई एम सो बिजी, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। अब्बा आप कंप्यूटर में भी कोचिंग कर लो। नहीं पर शबू, मेरा मतलब देखो, क्लासेस में पढ़ाने के लिए कंप्यूटर से पढ़ना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो और जाओ, यू विल गेट लेट फॉर द स्कूल। कम ऑन, रन रन रन, कम ऑन फास्ट। कितने सवाल पूछते, बिल्कुल अपनी बात है। अच्छा ये भी फिट नहीं हो रहा, कोई भी कपड़ा फिट नहीं हो रहा। रमन सही कह रहे थे, तो रावण कुमार भी ना, सच में वेट पुट ऑन हुआ है। आप ये सब क्या कर रहे हो, इतने सारे कपड़े? आप मैं समझा, आप ये कपड़े किसी को दे दोगे ना, फिर हम शॉपिंग चलेंगे, वही तो बात खुश होगी। अब बताओ कब चलेंगे शॉपिंग? कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं हो रही है। तो फिर आपने इतने सारे कपड़े क्यों निकाल के रखे हैं? पर ईशी माने ना, वेट पुट ऑन कर लिया है फ्रैक्चर के बाद में, और इतना हुआ है कि कोई भी कपड़ा फिट नहीं हो रहा है। अच्छा ईशी माँ, ये ना सर्कल पे साइन कर दो पढ़ के, मैं एक मिनट में आता हूँ। क्या हुआ? एक मिनट तो रुको। अरे आदि सब तो ठीक है, अचानक क्यों भाग गया? ईशी माँ आईज बंद कर। क्या मस्ती कर रहे हो? प्लीज बंद तो करो ना। ओके लो। आ रहा। क्या? जब तक मैं आईज खोलने को ना बोलूं, आईज मत खोलना। ओके ओके चल। आदि राइट 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 सही बैठू। हाँ क्या कर रहे हो आदि? एक मिनट रुको। अब आके खोल। मैं नहीं जानता आपका वेट ज्यादा हो गया या कम,
मैं तो बस इतना जानता हूँ कि रूही और मेरी रिश्मा सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी क्वीन है। और मुझे ये मालूम है कि मेरा बेटा सबसे प्यारा है, पटाऊ किंग। वेरी नाइस, थैंक यू। अब शगुन कैसी? पहले की तरह हाइपर तो नहीं है ना? नहीं रमन, तुम्हारे जाने के बाद वो हाइपर नहीं थे, लेकिन उसे मेहर की टेंशन है। मैंने उसे समझाया कि मीर को कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जानते हो उसे हाउ शी इज। रमन, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। तुम देखो अगर कुछ हो सके तो। मनोज, मीर मेरे लिए भी भाई से बढ़ के, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत है, मेरी बहन का मर्डर हुआ है। और अगर वो सबूत मीर के खिलाफ नहीं जाते तो मीर छूट जाएगा। लेकिन जिसने भी मेरी बहन को मारा था उसे नहीं छोड़ूंगा। I understand. मनोज, शगुन तो अपना ध्यान रख रही है ना? Yeah, of course. In fact, वो आज किसी डाइटिशियन के पास जाने वाली है। वो चाहती है कि वो प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करे, ताकि बच्चा हेल्थी हो। That is so sweet of her. Actually, मनोज, मुझे लगता है कि मुझे भी वहाँ डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। शगुन को भी अच्छा लगेगा। Just give me the address if possible, please. हाँ, मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। Thanks. इशिता भला, आपका 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। आपका टर्न आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। आप कुछ लेंगी? नहीं नहीं, नथिंग नथिंग, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ मनोज, मैं पहुंची हूँ उस एड्रेस पर। तुमने अपॉइंटमेंट लिया है ना? हाँ, मैं वही करूंगी जो डायटिशियन सजेस्ट करेगा। दैट्स गोना बी बेस्ट फॉर मी एंड द बेबी। ओके, एक्सक्यूज मी, आई एम शगुन अरोरा और मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। जस्ट मिनट, आई विल चेक। आपका टर्न अभी एक क्लाइंट के बाद है, आप प्लीज वेट कीजिए। श्योर। हाय। हाय चिंता, कैसे हो? गुड चाइल्ड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? गुड। कंग्रेचुलेशंस कहना था मुझे एक्चुअली। गुड न्यूज पता चली मुझे। इशिता मुझे किस गुड न्यूज के बारे में कंग्रेचुलेट कर रही है? उसे तो 6 हफ्तों तक ये बात छुपानी थी। लगता है रमन ने इशिता को सब कुछ बता दिया है। तुम्हें पता है इसके बारे में? या चेहरे पे ग्लो भी तो इतना है, ऑब्वियस हो रहा है। एंड मैं इनफैक्ट मिलना भी चाह रही थी, लेकिन मौका अब नहीं मिल रहा था। लेकिन अच्छा, यहाँ मुलाकात होगी। एक्चुअली इशिता, मैं भी तुमसे मिलना चाह रही थी। इट्स सो नाइस कि तुमने ये सब इतना पॉजिटिवली लिया है। पॉजिटिवली से क्या मतलब? तुम खुश होना ये सब जानकर। हाँ, ऑफ कोर्स खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने कंसेंट पे साइन क्यों लिया था, पता चल गया ना तो कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों कहाँ आमने सामने आ गई यार, कि बात रोकनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ। पूछेंगे कहाँ हो तो डाइटिशियन बोलूंगी तो हंसेंगे। इट्स ओके, कैरी। हेलो। हेलो, फोन क्यों उठा रही थी? गप्पे मार रही थी ना? गप्पे नहीं तो, गप्पे गप्पे से क्या मतलब है? मतलब तो गप्पे कैसे मारूंगी, बोलने के हालत में थोड़ी होता है। रमन, मैं हुई नहीं क्लिनिक में। तो कहाँ हो? बाहर हूँ। अच्छा, बाहर हो? आटे की बोरी, 1.5 किलो आटा कम करवा नहीं, मुझसे झूठ बोल रही है। कहाँ बाहर, कहाँ क्या कर रही हो? बाहर मतलब बाहर रमन, अभी कितने सवाल। मैं आई हूँ रूही के लिए सामान लेने, वो प्रोजेक्ट वगैरह करना, उसके लिए आई हूँ। झूठी, क्या क्या बोला आपने? नहीं नहीं, मैं कहा कि बहुत दिनों हुए साथ में लंच नहीं किया, तो यहाँ कनॉट प्लेस में नई इटालियन रेस्टोरेंट खुली है, तो वहाँ लंच पे चलें, यू एंड मी। अभी एक्चुअली लंच के लिए इटालियन, एंड क्या है ना उसमें चीज वगैरह बहुत होता है, मुझे नहीं लगता वहाँ जाना चाहिए। हाँ हाँ, तुम तो चीज के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा वजन बढ़ जाता है, खाओगी तो फट जाओगी। प्लीज, हाँ उस पे मत आओ आप अभी। मतलब मजाक अगर उड़ा सकते हो तो फिर मैं भी फिर मजाक कर सकती हूँ। सोच लो किसकी हाइट काफी कम है। हाँ, तुम्हारी हाइट मुझसे ज्यादा है, तभी तो तुम्हारा दिमाग घुटनों में। शीता और रमन के बच्चे, आई होप ये बच्चा उन्हें
और करीब ले। मिसेस भला, या आप अंदर जा सकते हैं। राइट। हाँ वो जो शॉपकीपर है ना, उसने सामान देने के लिए बुलाया है, थोड़ा देख दिखा रहा है कुछ वैरायटी, सो आई विल टॉक टू यू लेटर। और संभाल के खाना, वजन बढ़ रहा है। बाय। शगुन, अरे तुम भी यहाँ आए हो इशिता को कंपनी देने के लिए? शी जस्ट वेंट इनसाइड। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं जानती कि मैं जानता हूँ कि वो यहाँ आई। तो फिर तुम यहाँ क्यों, कैसे आए हो? एक्चुअली मनोज ने बताया कि तुम यहाँ आई, आई थॉट मैं तुम्हें कंपनी दे, आई मीन नो जस्ट लगा तुम यहाँ के लिए। तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? बिकॉज़ शी हैज नो आईडिया। मैंने तो नहीं बताया, लेकिन वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी गुड न्यूज, हमारे फेस पे ग्लो है। क्या उसे पता है? और अगर पता है तो कैसे पता? तो उसकी बातें, उसके मोटापे का असर उसके दिमाग पे, प्लीज उसे बताना मत। शी हैज नो आईडिया। वो जो भी बोले जस्ट हाँ में हाँ मिलाओ, उसे बताना मत प्लीज। बट आई थिंक उसे ऑलरेडी पता है। उसके ना पता इतनी देर से पहले कि वो मुझे यहाँ दिखे, मैं चलता हूँ। डोंट टेल हर एंड टेक केयर। पर शीता को पता ही नहीं है तो वो किस गुड न्यूज की बात कर रही है?